हेलो एवरीवन, दिस इज़ टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट को आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज़ अ मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ यूज व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केसेस। स्विच केस मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारे जब केसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक केस को हमको सिलेक्ट करना है, बहुत सारे मल्टीपल केसेस के बीच में से, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट का, ठीक है। जावा में उस टाइम पर जब हमको बहुत सारे मल्टीपल केसेस के बीच में से किसी एक केस को सिलेक्ट करना होता है, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट का या फिर स्विच केस का। तो सबसे पहले अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि स्विच केस को हम लिखते कैसे हैं, क्या सिंटेक्स है इसका, क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहले इसको समझते हैं। साथ में कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो, हमारा जो स्विच केस होता है उसका सिंटेक्स होता है, ये हमारे स्विच केस का सिंटेक्स है। सबसे पहले हमको यहाँ पर स्विच का यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा स्विच आता है, उसके बाद हमको यहाँ पर पास करवाना पड़ता है एक्सप्रेशन को, ठीक है। अगर जैसे ये जो एक्सप्रेशन है डी, ये कोई इंटीजर टाइप है, ठीक है, ये इंट डे है। यहाँ पर थोड़े सा हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, ये इंट डे इक्वल्स टू है, और यहाँ पर यूज़र इनपुट कर रहा है कोई भी इंटीजर वैल्यू। अगर यूज़र यहाँ पर इनपुट करता है वन, ठीक है, हमारा इंट डे इक्वल्स टू वन है, तो ये हमारा जो केस है ये स्विच के पास आएगा। और यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन चॉइस हैं। इनके अंदर जो भी कंडीशन हमको चाहिए, कोई एक कंडीशन को पिक करना है हमको, ठीक है, जिसमें डे इक्वल्स टू वन होगा। तो जब हमारा स्विच केस यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सिंटेक्स में समझेंगे अगर, तो सिंटेक्स ये है, स्विच लिखना पड़ता है हमको, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन आता है, मतलब यहाँ पर जैसे हमने डे पास किया है, उसके बाद ये हमारी बॉडी होती है। यहाँ से यहाँ तक जो ये ब्रैकेट्स हैं, ये हमारे स्विच की बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हमारे पास आते हैं केसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। सबसे पहला केस है केस वन। अगर हमारा जो केस वन है वो मैच कर जाता है, ठीक है, हमारा जो केस वन है वो ट्रू हो जाता है, तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से हमको मंडे जो है वो आउटपुट में मिल जाएगा। इसके बाद हमने यूज़ किया है ब्रेक का। यहाँ पर ब्रेक का जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है, आपको ब्रेक का यूज़ करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि जैसे अगर हमारा जो ये केस है यहाँ पर आया, और हमारा जो केस वन है स्विच के अंदर आया हमारा कोड, और केस वन है वो ट्रू हो गया, ठीक है, तो ट्रू होने के बाद हमारे कोड ने प्रिंट करवा दिया मंडे आउटपुट में, और उसके बाद ब्रेक की हेल्प लेगा और हमारा जो कोड है वो यहाँ से कर जाएगा एग्जिट, यहाँ से बाहर चला जाएगा हमारा कोड। ब्रेक की हेल्प से कोड हो जाएगा एग्जिट, आगे के जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, जावा उन केसेस को देखेगा भी नहीं, ठीक है, सिर्फ केस वन अगर ट्रू हो गया तो वो सिंपली आउटपुट जो भी उसके अंदर होगा वो काम को करेगा, और ब्रेक की हेल्प से वहीं से हमारा कोड हो जाएगा एग्जिट। आगे के जो केसेस हैं उनमें बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। अगर जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारा जो केस वन है वो हो जाता है फॉल्स, हमारा जो केस वन है वो फॉल्स हो जाता है, केस टू पर आएगा हमारा कोड, केस टू को देखेगा, नहीं मैच करा, केस टू भी अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो फिर कोड आएगा केस थ्री पर, और केस थ्री जब हमारा ट्रू हो जाता है तो फिर क्या करेगा, फिर से वापस से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से वेनसडे को प्रिंट करेगा, और फिर ब्रेक के पास आएगा, और ब्रेक की हेल्प से हमारा जो कोड है वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक का जो यूज़ होता है वो एक इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। अगर आप केस लिख रहे हो तो आपको ब्रेक का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे पास जो हमको चाहिए था वो मिल गया, तो हमारा कोड आगे भी एग्जीक्यूट हो, हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक का। आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, पहले यहाँ पर इन सभी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमारा जो स्विच का यूज़ किया हमने, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने स्विच का यूज़ किया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन को भी पास करवा दिया, फिर केसेस भी ले लिए। अगर हमारा केस मैच नहीं हुआ तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सोचा होगा अगर मन में आया
कि पहला केस में अगर हमारा पास नहीं हुआ, फिर दूसरे केस में भी पास नहीं हुआ, फिर तीसरा केस भी पास नहीं हुआ, कोई भी केस अगर हमारा मैच नहीं हुआ तो हमको एरर मिलेगा क्या? नहीं। अगर हमारे जो पहला केस, दूसरा केस या जितने भी केसेस हैं हमारे पास, वो एक भी केस अगर हमारे पास पास नहीं होता है, तो लास्ट में हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट का, डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने एक्चुअली। तो यहाँ पर जब हम IDE में चलेंगे और वहाँ पर जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एक कोड को पूरा कम्प्लीटली लिखेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होता है जब हमारे एक भी केस पास नहीं होता है, पहला दूसरा तीसरा या जितने भी केसेस हैं, एक भी केस जब हमारा पास नहीं होता है, तब हमारा कोड क्या करता है, जावा हमारे जो भी डिफ़ॉल्ट के अंदर होता है, जैसे कि नो केस पास या जो भी काम डिफ़ॉल्ट के अंदर होता है, उसको कर देता है, उसको प्रिंट करवा देता है और फिर हमारा कोड कर जाता है वहाँ से एग्जिट। ठीक है, अगर केस पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर केस पास नहीं हुआ, कोई भी केस पास नहीं हुआ, तो सीधा हमारा जो कोड है वो आ जाएगा डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद यहाँ पर जो भी काम होगा उसको करेगा, और वहाँ से फिर काम करने के बाद हो जाएगा एग्ज़िट। कोड पे जाने के लिए पहले IDE पर जाने से पहले एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से हमारा जो कोड है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, स्विच कंडीशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आएगा, जो कि कहाँ से आएगा, यूज़र के पास से। यूज़र कोई ना कोई वैल्यू जैसे एंटर करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर एंटर होगा कोई भी ना कोई काम यूज़र बोलेगा करने के लिए, तो वो आएगा हमारे केसेस में। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास यूज़र ने 1 एंटर किया है, तो वो केस अगर हमारा 1 मैच करता है उस चीज़ से, तो हमारा जो केस 1 है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर आप देखो, ट्रू होगा तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन 1 के अंदर जो भी काम होगा, चाहे प्रिंट का हो, एडिशन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, जो भी काम होगा वो जावा काम को करेगा और ब्रेक की हेल्प से चला जाएगा बाहर और सीधा आ जाएगा यहाँ पर एंड पॉइंट पे। ठीक है, ये सारे केसेस को क्या कर दिया, इग्नोर। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी हैं उनको इग्नोर कर दिया। अब अगर ये वाला जो केस 1 है ये ट्रू नहीं होता है किसी कंडीशन में, ये वाला, तो हमारा क्या करेगा, हमारा जावा आ जाएगा फॉल्स वाले रूट पे, फॉल्स वाले रास्ते पर चलना शुरू कर देगा हमारा जावा। ठीक है, तो वहाँ पर मिलेगा इसको कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो वापस क्या होगा, हमारा जो कंडीशन 2 के अंदर जो भी काम होगा उस काम को हमारा जावा करेगा, चाहे वो प्रिंट वर्स करवाना हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो, तो वो चीज़ हमारा जावा उस काम को करेगा और ब्रेक की हेल्प से वापस हमारा कोड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से कर जाएगा एग्जिट। ठीक है, अब अगर ये सेकंड कंडीशन जो है वो भी फॉल्स होती है तो कहाँ पर आएगा जावा, चलेगा फॉल्स वाले रास्ते पर। ठीक है, फॉल्स वाले रास्ते पर आएगा, इस कंडीशन को मैच करेगा। ये कंडीशन भी अगर किसी तरह से फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा, अब हमारे सारे केस जो हैं वो क्या हो गए, फॉल्स हो गए। एक भी केस हमारा जब पास नहीं हुआ, तब एट द एंड लास्ट में हमारे पास बचता है डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। बिल्कुल एट द एंड लास्ट में हमारे पास डिफ़ॉल्ट बचता है, जिसके आगे कोई भी फॉल्स होने का चांस नहीं होता। डिफ़ॉल्ट के आगे कोई भी चांस नहीं होता कि हमारा केस फॉल्स होगा। अब डिफ़ॉल्ट पर जब पहुंचा है तब हमको हमारा जो कोड है वो एक काम तो करेगा ही करेगा, जो हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर बता कर रखा होगा। तो यहाँ पर जाएगा वो ट्रू पे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी काम हमने बोला होगा कि प्रिंट करवा दो, कोई भी केस मैच नहीं किया, या जो भी काम हमने बोला होगा वो काम को हमारा कोड करेगा और सिंपली यहाँ पर इस काम को करने के बाद हो जाएगा एग्जिट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारे जो स्विच स्टेटमेंट है वो काम करता है। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर नहीं हुई हैं तो अभी IDE पर चलते हैं, वहाँ पर भी समझने का ट्राई करना, वहाँ पर तो आ ही जाएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं आया, उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो जब हम IDE पर अभी चलते हैं और वहाँ पर कोड लिखते हैं तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं IntelliJ IDEA पर। तो हम आ चुके हैं IntelliJ IDEA पर, यहाँ पर मैंने IntelliJ IDEA को ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमको जावा क्लास को क्रिएट करना होगा, तो सोर्स फोल्डर के अंदर मैं जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ, और इस जो क्लास है इसको मैं नेम देने वाला हूँ स्विच। एक्चुअली स्विच नहीं देता हूँ मैं यहाँ पर, क्लास अंडरस्कोर, लास्ट हमारी क्लास थी 14, राइट, हमारी लास्ट क्लास जो थी वो 14 थी, तो ये वाली क्लास अंडरस्कोर
मैं यहाँ पर 15 दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारी 15th क्लास जो है ये बन गई है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, मेन फंक्शन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। स्विच का यूज़ करके अब हम कोड को लिखेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे कोड को लिखेंगे, तो हमारा जो कोड होगा जो हम प्रोग्राम बनाएंगे स्विच को यूज़ करके वो होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैसा होगा कि हम यूज़र से पहले दो नंबर को इनपुट लेंगे, ए और बी, दो इंटीजर वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा कीबोर्ड के थ्रू, और वो दो इनपुट वैल्यू का यूज़र को एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है वो स्विच केस के थ्रू हम डिसाइड करवाएंगे यूज़र, वो भी यूज़र इनपुट करेगा कि क्या करना है, और फिर स्विच के हेल्प से हम जो भी दो वैल्यूज़ का यूज़र करना चाहेगा, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो भी करना चाहेगा वो करवाएंगे, उस काम को करवाएंगे स्विच केस की हेल्प से, और आउटपुट में आंसर को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको स्कैनर क्लास, क्योंकि हमको इनपुट लेना है, स्कैनर क्लास को लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ऊपर आप देख सकते हो पैकेज जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है। सिस्टम डॉट इन लेना पड़ेगा क्योंकि हमको कीबोर्ड से इनपुट चाहिए, यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला इंट ए रहेगा, ए इक्वल्स टू इंट ए इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट ले लेते हैं, ठीक है। इसको कर दिया क्लोज, फिर आता है इंट बी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट बी, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर ये चीज़ हो गई, दो वैल्यूज़ हमने यूज़र से ले ली, अब हमको क्या करना है, यूज़र से चॉइस को लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साउट का यूज़ करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ एंटर यूज़र चॉइस, ठीक है, एंटर यूज़र चॉइस, और यहाँ पर थ्री डॉट्स, वन सेकेंड, और हाइफन, यहाँ पर जो H है वो भी कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल केस पे कर देता हूँ, ठीक है, लोअर केस हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ इंट, क्योंकि अब हमको यूज़र से चॉइस लेना है जो कि इंटीजर टाइप में होगी, ठीक है। तो इंट यहाँ पर CH इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर अब स्विच केस को लिखेंगे, स्विच केस का स्टेटमेंट हमने देख लिया, सिंटेक्स देख लिया, सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ स्विच, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ इसके अंदर CH को। जैसे ही मैंने CH को पास किया, अब हमारे पास केस कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहला एडिशन 1, सब्सट्रैक्शन 2, मल्टीप्लिकेशन 3 और डिवीजन 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ केस 1 इक्वल्स टू नहीं देंगे, यहाँ पर कॉलन्स, और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यूज़। तो मैं यहाँ पर सिंपली साउट कर देता हूँ, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर डबल कोट्स में सबसे पहला है हमारा सम, सिंपली मैंने यहाँ पर सम दिया, प्लस लेंगे, सम में क्या करेंगे ए की वैल्यू को ऐड कर देंगे बी से, ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक, ब्रेक का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा अगर केस 1 ट्रू हो गया तो हमारा सिंपली आउटपुट में यूज़र को कितना सम मिल जाएगा, और हमारा जो कोड है वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट केस, तो यहाँ पर वापस से केस लेना पड़ेगा, ये केस 2 होगा हमारा, ठीक है, इसमें लेना पड़ेगा हमको साउट, यहाँ पर हमारा होगा सब्सट्रैक्शन, डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पर सब ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस का साइन यूज़ करेंगे यहाँ पर जॉइंट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ पर लूँगा ए माइनस बी, यहाँ पर जब मैं ए माइनस बी लेता हूँ और इक्वल्स टू करके यहाँ पर अब ब्रेक का यूज़ कर लूँगा, मतलब नीचे वाली लाइन पर ब्रेक का यूज़ कर लूँगा, तो अब हमारा ये सेकेंड केस भी हो गया रेडी। फिर बात आती है थर्ड केस की, यहाँ पर थर्ड केस ले लिया, नीचे फिर से साउट करते हैं, और थर्ड केस में हमको क्या करवाना है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मैं मल्टी ले लेता हूँ, सिंपली यहाँ पर मल्टी ले लेता हूँ, और फिर ऐड करवा लेते हैं, प्लस का साइन यूज़ करके हम ये पूरी लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी कर देता हूँ, यहाँ पर वापस नीचे आते हैं, केस 4 होगा हमारा, ठीक है, ये केस 4 हो जाएगा, एक्चुअली हमने ब्रेक नहीं लगाया, हमको ब्रेक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार कोड को हम अभी बाद में रन भी करेंगे बिना ब्रेक लगाए, ठीक है, ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे और फिर कोड को रन करेंगे। एडिशन करवा लिया हमने, सब्सट्रैक्शन करवा लिया, मल्टीप्लिकेशन करवा लिया, अब हमारे पास बचा हुआ है डिवीजन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिव ले देता हूँ, सिंपली यहाँ पर डिव कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय बी कर देंगे, ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय बी, सिंपली ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर वापस से ब्रेक का यूज़ कर लेंगे,
अब हमारी ये चार कंडीशंस हैं, चार केसेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये फोर केसेस हैं। अब ये फोर के फोर केस अगर हमारे अप्लाई नहीं होते हैं, यूज़र ने अगर फोर केस फोर से ज़्यादा वैल्यू एंटर कर दी, 10 कर दी, 100 कर दी, तब क्या होगा, हमारा जो एक भी केस है वो ट्रू नहीं होगा, एक भी केस नहीं चलेगा हमारा, है ना, सारे केसेस हमारे फॉल्स हो जाएंगे, तब हमको क्या एरर मिलना चाहिए, है ना। तो वो एरर से बचने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लास्ट में, डिफ़ॉल्ट का। तो हम सिंपली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ले लेंगे और यहाँ पर मैं साउट में, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करवा दूंगा इनवैलिड चॉइस। सिंपली मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस डिफ़ॉल्ट, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि यूज़र ने अगर वैल्यू एंटर करी, अगर ये फोर कंडीशंस के अंदर, फोर केस के अंदर पे अगर वैल्यू रही, तो हमारी एक ना एक कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। अगर हमारी ये चारों कंडीशन फॉल्स हो गई, एक भी केस हमारा पास नहीं हुआ, सभी केसेस जो हैं हमारे वो फॉल्स हो गए, तब हमारा जो कोड है वो पहुंचेगा डिफ़ॉल्ट पे और हमको आउटपुट में क्या दे देगा, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इनवैलिड चॉइस पर आ गया, डिफ़ॉल्ट पर आया, तो अपने आप जो कोड है वो हमारा एग्जिट कर जाएगा वहाँ से, हमको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बनकर परफेक्टली रेडी हो चुका है, एक बार कोड को रन करते हैं। कोड हमारा रन हो चुका है, एक्चुअली हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था एंटर दी वैल्यू, तो हमको सबसे पहले वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा। तो मैं 5+5 करूँगा, ठीक है। अब हमसे देखो, 5 एंड ए की वैल्यू मैंने 5 दी, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 दी, एंटर योर चॉइस। तो मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं करवाऊँगा एडिशन। तो एडिशन के लिए जैसे ही मैं 1 देता हूँ, तो आप देखो आउटपुट में मेरे को क्या मिला, सम 10, ठीक है, सम इक्वल्स टू 10 हमको आउटपुट में ये मिल गया। अब मैं जब वापस कोड को रन करता हूँ तो देखो क्या मिलता है, यहाँ पर फिर मैं वैल्यूज़ दूंगा, यहाँ पर मैं 15 और 10 देता हूँ, 15 और 10 दूंगा, और अब मैं माइनस करवाऊँगा, ए माइनस बी करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 देता हूँ, चॉइस मेरी सेकंड चॉइस है, और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखो 15-10 हमारा जो आंसर है 5 वो हमको आउटपुट में मिल गया, हमारे जो बाकी के केसेस है वो रन नहीं हुए। मल्टीप्लीकेशन वाले करना चाहते हो तो बिल्कुल होगा, यहाँ पर मैं क्या एंटर करता हूँ, वापस से 5 और फिर 5, और यहाँ पर थर्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो 5 5 ज़ा 25, मल्टीप्लीकेशन वाला जो आंसर है वो भी हमको बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, वापस केस को रन करते हैं, फोर्थ केस वाला जो है उसको देख लेते हैं, कोड को रन करते हैं, फोर्थ केस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 50 और यहाँ पर करता हूँ मैं 5, ठीक है, तो यहाँ पर ए डिवाइडेड बाय 5 होगा, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 4, और मैं जब इसको आंसर देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल 10 है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अगर मैं अब ये 4 से ज़्यादा कोई वैल्यू एंटर करूं, यहाँ पर वापस से मैंने कोड को रन किया, यहाँ पर मैं देता हूँ 5, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मैंने 5 5 दे दी, चॉइस में अगर मैं एंटर करूं 10, ठीक है, और मैं एंटर कर दूं, तो ये देखो मेरे को आउटपुट में क्या मिला, इनवैलिड चॉइस। क्यों इनवैलिड चॉइस मिला, क्योंकि हमारा जो कोड आया वो सबसे पहले 1 पे आया, वो तो बोला नहीं ये वाला केस भी फॉल्स है, फिर गया 2 के पास ये भी फॉल्स है, फिर गया 3 के पास ये भी फॉल्स है, फिर गया 4 के पास ये भी फॉल्स है। अब 4 के बाद तो हमारे पास कोई भी केस नहीं बचा, तो हमारा जो कोड है वो सीधा चला गया डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट पे क्या था, इनवैलिड चॉइस, ये हमको आउटपुट में मिल गया, और यहाँ से कर गया हमारा कोड एग्जिट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पर 10 दिया था मैंने, आप 1000 दे दोगे ना, या फिर 5 भी दे दोगे, 4 के बाद 5 भी दे दोगे, तब भी आपको क्या आउटपुट में मिलेगा, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ब्रेक की। यहाँ पर अब जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसको मैं कर दूँ यहाँ से अगर रिमूव, यहाँ से सभी जगह से मैं ब्रेक स्टेटमेंट को कर देता हूँ रिमूव, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, कैसा आउटपुट हमको देखने को मिलेगा वो दिखाते हैं। ठीक है, तो जब मैं वापस कोड को रन करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है, यहाँ पर आप देखो मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 5 5, और यहाँ पर चॉइस पूछिए तो मैं चॉइस देता हूँ 1, ठीक है, एडिशन करवाना है, आउटपुट में हमको 10 मिलना चाहिए। ठीक है, जब मैं एंटर किया तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने जब 1 एंटर किया था, बट हमको आउटपुट में क्या मिल गया, सम भी मिल गया, सब्सट्रैक्शन भी मिल गया, मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया, डिवीजन भी मिल गया, और डिफ़ॉल्ट इनवैलिड चॉइस भी मिल गया। तब यहाँ पर क्या हुआ,
हमने जावा से, जावा ने हमसे बोला कि भाई तुम पहले ए की वैल्यू एंटर करो, तो हमने एंटर करी 5। फिर जावा ने बोला बी की वैल्यू एंटर करो, तो हमने बी की वैल्यू भी एंटर करी 5। ठीक है, फिर उसने बोला अब तुम चॉइस बताओ कि तुमको कौन सा ऑपरेशन करवाना है, केस 1 का ऑपरेशन करवाना है कि केस 2 का, केस 3 का, केस 4 का, कि कौन सा करवाना है। तो हमने तो उसको बताया केस 1 का करवाना है। ठीक है, जावा ने वो देख भी लिया कि ठीक है तुमको केस 1 का ऑपरेशन करवाना है। जब हमारा कोड स्विच के अंदर आया, थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जब हमारा कोड स्विच के अंदर आया तो वो गया पहले केस 1 के पास। केस 1 के अंदर जो काम था उसने वो कर लिया, क्योंकि हमारा जो केस 1 ट्रू हो गया, हमने तो उसको बोला था कि तुम ये वाला जो कोड है हमको केस 1 वाला काम करके देना, तो हमारा जो केस 1 है वो तो ट्रू था। बट यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट ना होने के कारण हमारा कोड ये केस 1 के काम को करवाने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए हमारा कोड एग्जिट नहीं हुआ। हमारा जो कोड था वो एग्जिट नहीं हुआ ब्रेक स्टेटमेंट ना होने के कारण। हमारा कोड चला गया केस 2 पर, उसने केस 2 का भी काम कर दिया, फिर ब्रेक नहीं था, फिर चला गया केस 3 पर, केस 3 का भी काम कर दिया, फिर 4 पर गया, 4 का भी कर दिया, डिफ़ॉल्ट पर गया, उसको भी कर दिया। ठीक है, और फिर डिफ़ॉल्ट के बाद हमारा कोड जा कर के एग्जिट हुआ। तो ये जो आगे के केसेस हैं ये रन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, यहाँ पर मैं वापस ब्रेक स्टेटमेंट्स लगा देता हूँ ये आके। ठीक है, ब्रेक के साथ में कुछ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी होते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ब्रेक स्टेटमेंट को समझो और ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है। एक बार अगर समझ में नहीं आया, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है, तो वीडियो को वापस बैक कर लो और वहाँ पर फिर से एक बार स्टार्टिंग से समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समझ में आएगा। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आए, ये स्विच केस समझ में आया, स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं ये समझ में आया, ब्रेक कैसे काम करते हैं ये समझ में आया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे स्विच, स्विच स्टेटमेंट होता है हमारा। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस के बीच में से किसी एक चॉइस को लेकर के आने वाला होता है हमारा स्विच। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, अगर हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, बट अभी क्या हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, अब हम टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम आगे जल्दी जल्दी जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी एक टॉपिक पर होगी, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे उसमें, टॉपिक पर होगी, एक स्पेसिफिक टॉपिक को हम उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुई हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। अगर हमारे जावा के प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं, एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर के भी देख सकते हो और सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।